हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। आज सोने की कीमत आपको देगी बड़ी खुशखबरी। सोमवार को हो गया है सोना सस्ता। वैश्विक स्तर पर कीमती धातुओं में रही गिरावट के कारण दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 100 रुपए टूटा और 32,000 से 33,620 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 10 रुपए उतरकर 38,090 रुपए पर आ गई है। विदेशों से मिली जानकारी के अनुसार सोना हाजिर शुक्रवार को 7.90 डॉलर टूटा और 1,333 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। अगस्त का अमेरिका सोना वायदा 0 पॉइंट गिरकर 1,343.90 डॉलर प्रति औंस पर बोला गया। बाजारों की माने तो चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव को देखते हुए अमेरिका फेडरल रिजर्व ने इस सप्ताह ब्याज के दरों में बढ़ोतरी करने से संकेत से डॉलर में तेजी आई है, जिससे कीमती धातु पर दबाव बना है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से तेल की कीमतों में भी उछाल देखने के लिए मिला है और सोने चांदी में गिरावट दर्ज हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी हाजिर 2 पॉइंट गिर गई है और 14.84 डॉलर प्रति औंस पर रही है। स्थानीय बाजार में सोना स्टैंडर्ड 100 रुपए गिरा और 33,620 रुपए 10 ग्राम आ गया। सोना बिटूर भी इतनी गिरावट के साथ 33,450 रुपए पर आ गया। हालांकि 8 ग्राम वाली गिन्नी का रेट 26,800 रहा। चांदी 10 रुपए टूटी और 38,000 पर आ गई। चांदी वायदा 685 रुपए उतरकर 36,115 रुपए पर बोला गया है। 80,000 और 81,000 पर सिक्का लिवाली और बिकवाली रहा। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 10 ग्राम 33,620, बिटूर सोना 33,450 और चांदी 38,090 रुपए के हिसाब से बिकी है। तो कैसी लगी ये खबर कमेंट करके जरूर बताएं।